सर यहाँ 850 बच्चे हैं विद्यार्थी, लेकिन चापा का लेक है। पानी पीने में बहुत दिक्कत होता है और शौचालय की भी दिक्कत है। खाना भी सही नहीं बनता है, गर्मी के दिन में पंखा भी नहीं रहता है। अरवल जिले के करपी प्रखंड के कुतुबपुर तेरा मध्य विद्यालय में काफी मूलभूत सुविधाओं का है काफ़ी अभाव। यहाँ बाउंड्री वाल, शौचालय, चापाकल, खेल का मैदान आदि का अभाव साफ साफ दिखता है। सरकारी उदासीनता के कारण यहाँ आज तक ये मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हुई। शौचालय न रहने से कैसी परेशानी आप लोग को होती है? जैसे कि टीचर या शिक्षक से छुट्टी मांगकर, छुट्टी भी मांगो तो बोलते हैं कि अभी नहीं, टिफिन बाद छुट्टी मिलेगा। और वहाँ उस किसी भी काम शौचालय के लिए स्कूल से बाहर आना पड़ता है, जैसे कि घर आना पड़ता है, बाथरूम के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। या आपके जो शिक्षिका हैं, इस बारे में आपने कभी बात किया? करे हैं सर, बाकी कहे कि हो जाएगा, होता है ये नहीं है, खाली अथी करते हैं, कहते हैं होता नहीं है। तो क्या कारण है सर कि यहाँ पे एक ही चापाकल है? यहाँ चापाकल एक नहीं है, यहाँ तीन तीन चापाकल था सर, लेकिन दो चापाकल हाल फिलहाल में चोरी हो गया, जिसका रिपोर्ट विभाग को और थाने में भी FIR कर दिया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि शौचालय हो, खेल के मैदान हो, सही खाना बने, तो खाना खाने के लिए घर पे भी नहीं आना पड़ेगा, चापाकल की संख्या और बढ़ाई जाए। मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि हमारे गांव और आसपास के पड़ोस के गांव के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। हम और हमारा समुदाय यह मांग करता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर BEO सालिकराम सिंह के मोबाइल नंबर 9308072228 पर कॉल कर दबाव बनाया जाए, ताकि इस विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम हामिनपुर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहर्ट के लिए।